आज के समय परसेंटेज 20% आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया और उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 5, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। तो चाय का नया भाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूँ, फिर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे ट्रिक से, आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया कि 270 रुपए में, ठीक है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए में पहले से कितना चाय अधिक मिलती है, 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है, ठीक है। अगर मैं मान लू कोई व्यक्ति 270 रुपए में कुछ चाय खरीदता था, बट मुझे नहीं पता कितना केजी ये खरीदता था, ठीक है। कोई व्यक्ति है 270 रुपए में कुछ केजी चाय खरीदता था बट मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके दाम में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। इसके दाम में क्या हो गया, चाय के मूल्य में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। अगर 10% की कमी हो गई तो आज 270 रुपए में ही पहले से कितना एक्स्ट्रा चाय मिलती है, 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। पहले जितना चाय मिलती है उतना चाय तो मिल ही रही है, प्लस कितना एक्स्ट्रा मिल रही है, 250 ग्राम चाय अधिक मिल रही है, ठीक है। यही तो कहा गया, 250 ग्राम चाय अधिक मिलेगी। तो पूछा क्या आपसे, चाय का नया भाव यानी चाय कितने रुपए प्रति केजी है। करना क्या, देखिए यहाँ से क्या करना है, आप इसका 10% कमी होने के बाद, यानी 10% कमी होने के बाद ये तो चाय एक्स्ट्रा मिले कि नहीं मिले, तो करना है कि आपको 270 का 10% निकालिए। अगर आप 270 का 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 27 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 27 आपको मिलेगा। ये 00 से 00 कट गया, कितना मिल जाएगा, 27 मिलेगा। यानी आपको ये पता चल गया कि कमी, यानी यही कमी के बराबर ये चाय एक्स्ट्रा मिले, इसी कमी के बराबर ये चाय एक्स्ट्रा मिले, तो आप यहां से कर लीजिए 250 ग्राम। और हमसे पूछा कि चाय का नया भाव प्रति केजी में बताना। यहाँ पर देखिए जो 250 ग्राम है इसका मतलब कितना कह सकते हैं, एक पाव क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक पाव बोल सकते हैं, 250 ग्राम को एक पाव बोल सकते हैं। और एक केजी में कितने पाव होते हैं, 4 पाव होते हैं। अगर एक पाव का दाम 27 रुपए है तो 4 पाव का दाम कितना हो जाएगा, आप इसमें 4 से गुणा कर लीजिए। इसमें क्या करें, आप 4 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 108 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि चाय का नया भाव इस समय कितना है, 108 रुपए प्रति केजी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। अब आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा समझा के बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी 10% कमी के बाद ही तो ये चाय एक्स्ट्रा मिले, 270 रुपए पहले जो चाय मिलती थी बट मुझे नहीं पता, लेकिन इसके मूल्य में 10% कमी होने के बाद ये चाय एक्स्ट्रा मिले। तो करना क्या, आप इसका 10% निकालिए, इसका 10% कितना मिलेगा, 27 रुपए मिलेगा, 27 रुपए मिलेगी नहीं, 270 का 10% कितना मिलेगा आपको, 27 रुपए मिलेगा। यानी 27 रुपए आपको मिलेगा, यानी इसी कमी के बराबर ये चाय एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी 27 रुपए कमी के बराबर तो चाय एक्स्ट्रा मिले, कितना मिले, 250 ग्राम मिले, यानी एक पाव मिले। अगर एक पाव का दाम इतना है तो पूछा कि आपसे प्रति केजी का दाम पूछा, यानी प्रति केजी का भाव आपसे पूछा। तो करना है कि अगर एक पाव का दाम इतना है तो एक किलो में 4 पाव होते, इसमें क्या करें, 4 से आप गुणा कर लिए, कितना मिल जाएगा, 108 रुपए प्रति केजी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 108 रुपए प्रति केजी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि चाय का पुराना भाव यानी कमी से पहले चाय का भाव क्या था, तो हम लोग मान ले जो भी इसके पहले चाय का दाम रहा होगा अपने आप पे क्या रहा, 100% रहा होगा। अब इसमें 10% कमी होने के बाद, 10% की कमी होने के बाद, आप इसको लिखिए, 10% कमी होने के बाद चाय अब कितने रुपए में बिक रही है, इतने रुपए में बिक रही है। तो यहाँ से कहिए परसेंटेज में कितने परसेंट का दाम ले रही है, 10% कमी के, यानी 10% छूट दे दिया तो दाम कितने का ले रही है, 90% का ले रहा है, 90% का ले रहा है कि नहीं ले रहा। और यहाँ से रुपए में कितने रुपए ले रही है, 108 रुपए। तो कह सकते हैं ये 90% के बराबर है कि नहीं,
देखिए 10% की छूट दे देगी, दाम कितने के ला रही है 90% का, और 90% के बराबर ये है। इसमें 90 से भाग दे दीजिए 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या पता चले, चाय का पुराना भाव आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप करेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप करेंगे। ठीक है, कि ये 0 से 0 कट गया, इसको यहां से काट दिया, 9 कम 9 हो गया, 9 2 18 कितना मिल जाएगा 120 रुपए प्रति के जी हो गया, 120 रुपया प्रति के जी। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि चाय का पुराना भाव, तो आप क्या बताएंगे, आप 120 रुपए प्रति के जी है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि नया भाव पूछे, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी इसमें आपसे ये पूछा गेहूं का नया भाव आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 20% कमी के कारण, 20% कमी के बाद ये गेहूं एक्स्ट्रा मिला, तो 600 को क्या करिए, 20% निकालिए, तो 600 का 20% निकालें कितना मिलेगा आपको, 120 रुपए मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 120 रुपए मिले, यानी इसी कमी के बराबर ये गेहूं एक्स्ट्रा मिला, आप इसके बराबर आप यहां से कर लीजिए 10 केजी। अब हमसे पूछा कि गेहूं का प्रति केजी भाव पूछा है, अगर 10 केजी का दाम इतना है तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आप यहां से भाग आप दे दीजिए। अगर आप भाग दें तो 0 से 0 कट गया, तो यानी आपको ये पता चल गया कि गेहूं का नया भाव कितना रुपए प्रति केजी हो गया, 12 रुपए प्रति केजी। गेहूं का नया भाव कितना है, 12 रुपए प्रति केजी। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन थ्री देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी 1 रुपये में पहले रबड़ कितना मिलते थे, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कहा गया है कि 1 रुपये में, 1 रुपये में पहले जो भी रबड़ मिलते थे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 1 रुपये में पहले जो रबड़ मिलते थे बट मुझे नहीं पता कितना रबड़ मिलते थे, उनकी संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या, इसके दाम में कितने की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई। इसके दाम में 25% की कमी हो गई, तो पहले से कितना रबड़ एक्स्ट्रा मिला, 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिला, 2 रबड़ कहा क्या कहा गया, और अधिक मिला, 2 रबड़ और अधिक मिला, पहले जितना मिलता था उतना तो मिल ही रहा, प्लस 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिला, तो आप यहां से। और पूछा गया आपसे 1 रुपये में पहले कितना रबड़ मिलते थे, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको करना है कि यहां से क्या करिए, 25% कमी हो रही है, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसका 25% निकालिए। अगर आप 1 रुपये का 25% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 दे देगा, तो यहां से कितना मिल जाएगा, 1/4 मिलेगा। 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, यानी 1/4 रुपये बराबर ही रबड़ एक्स्ट्रा मिला, तो यानी यही तो कमी हो रही है, यही कमी हो रही है, और इसी कमी के बराबर ये रबड़ एक्स्ट्रा मिला, आप यहां से कर लिए 2 रबड़। ठीक है, 2 रबड़ आप यहाँ पे लिखिए। अब करने के त्रिक में गुणा कर ले, त्रिक में गुणा कर ले, यहां से कितना मिल जाएगा, 1 रुपये में कितना हो जाएगा, यहां से 8 रबड़, यानी इस समय 1 रुपये में कितना रबड़ मिल रहा है, 8 रबड़ मिल रहा है। और पूछा क्या हमसे, पहले 1 रुपये में कितना रबड़ मिलते थे, इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दो, 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिला ना, कमी होने के बाद 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिला, अगर इसमें से 2 घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 रुपये में पहले कितना रबड़ मिलते थे, इसको आप यहां से घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 6 रबड़। कितना मिल जाएगा, 6 रबड़ आपको, यानी आप बता सकते हैं कि 1 रुपये में पहले कितना रबड़ मिलते थे, 6 रबड़ मिलते थे। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना है कि 1 रुपये में क्या हो रहा है, 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिला है, जब इसके दाम में 25% कमी हो गई तब, तो करना है कि 1 का क्या करिए, 25% निकालिए, कितना मिलेगा आपको, 1/4 मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, 1/4 रुपये मिलेगा, यानी इसी कमी के बराबर ये रबड़ एक्स्ट्रा मिला, आप यहां से क्या करिए, इसको बराबर कर लिए 2 रबड़। अब त्रिक में गुणा करिए, यहां से क्या मिल जाए आपको, 1 रबड़ यानी 1 रुपये में कितना रबड़ मिला है, इस समय 8 रबड़ मिला, 1 रुपये में इस समय कितना रबड़ मिला, 8 रबड़ मिला। और पूछा कि 1 रुपये में पहले प्राप्त रबड़ों की संख्या, तो करना है कि आप इसमें से 2 घटा लिए, 2 रबड़ इसमें एक्स्ट्रा मिला है,
इसमें से क्या करिए, आप दो घटा लिए। अगर दो घटा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब 1 रुपए में पहले रबड़ कितना मिलते थे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा के बताया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, इसे गर्म करके वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया, यानी भाप द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर मैं मान लू ये कोई घोल है और घोल में क्या है, नमक प्लस पानी है, नमक प्लस पानी है। ठीक है, घोल में क्या है, नमक प्लस पानी है, और ये घोल कितने लीटर का, ये 6 लीटर का है। घोल कितने लीटर का, 6 लीटर का है। अब इसमें नमक की मात्रा कितना है इस घोल में, 5% नमक है। 5% क्या है, नमक है। अब इसमें ये कहा गया, अब इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अगर इसे गर्म किया जाए, ठीक है, अब इसे क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो जब गर्म करेंगे तो वाष्प द्वारा कुछ भाग, यानी वाष्प द्वारा कुछ पानी उड़ जाएगा, वाष्प द्वारा कुछ पानी उड़ जाएगा, तो बचा कितना, शेष घोल। इसमें से क्या कहा गया, कितना भाप द्वारा उड़ा दिया गया, 1 लीटर क्या किया, वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष घोल बचा कितना, इसमें 5 लीटर बचा। 6 लीटर है, अगर 1 लीटर वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया गया तो शेष घोल बचा कितना, 5 लीटर। यानी शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी है, इसमें हमसे ये पूछा गया। यही तो पूछा गया नमक की मात्रा, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, लेकिन आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 6 लीटर में कितना नमक की मात्रा है, 5% है। 6 लीटर में कितना नमक की मात्रा है, 5% है। इतना क्लियर है। जब इसे क्या कर दिया, वाष्प द्वारा वाष्पित करके इस घोल में इसमें से क्या कर दिया, 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया। वाष्प द्वारा वाष्पित करके इसमें से 1 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल बचा कितना, 5 लीटर। शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी है, इसमें हमसे ये पूछा है। ठीक है, हम लोग मान लें शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी, x% है। ठीक है, आप करना है कि इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा आंसर है, प्रतिशत से प्रतिशत कर दिया, 5 से 5 कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया, 6%। यानी आप बता सकते हैं कि शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी है, 6% है। ठीक है, सी ऑप्शन के इसका मैच करो। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन में। इसका आपको इसमें गुणा करना है, अगर 1 लीटर वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया गया तो शेष घोल बचा कितना, 5 लीटर। 5 लीटर में नमक की मात्रा आपसे पूछे, हम लोग मान लें कितनी है, x%। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक आधो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 12 लीटर के घोल में कितना परसेंट चीनी है, 4% चीनी है। आप यहां से कर लीजिए, 12 गुणे कितना आ गया, ये 4%। इतना क्लियर। अगर इसमें से 2 लीटर पानी क्या कर दिए, वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया गया, तो शेष घोल बचा कितना, 10 लीटर आपका बचा। टोटल 12 लीटर है, अगर 2 लीटर वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया गया तो शेष घोल बचा कितना, 10 लीटर। और 10 लीटर में नमक की चीनी की मात्रा कितनी है, हमसे ये पूछेगा। ठीक है, ये तो पूछेगा शेष घोल में चीनी की मात्रा हम लोग माने कितनी, x%। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, यहाँ लोग इसका गुणा कर ले, कितना मिलेगा, 12 चौक कितना गया, 48 हो गया। 12 चौक 48, 48 में क्या करना आपको, 10 से भाग देना है। 48 में क्या करना आपको, 10 से भाग देना। अब देखिए नीचे 1 0 है तो ऊपर कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। नीचे 1 0 तो ऊपर कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि शेष घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 4.8% है। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा आपसे, एल्कोहल की मात्रा पूछा गया। 5 लीटर में कितना एल्कोहल की मात्रा है, 40%। आप यहां से कर लीजिए, 5 गुणे कितना हो गया, ये 40% हो गया। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर, इस बार क्या कर रहा है, 1 लीटर पानी डाल रहा है उसमें, तो घोल यानी कितनी मात्रा है, 5 लीटर है, अगर 1 लीटर पानी और डाल दे रहा है तो घोल की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पे 6 लीटर होगी। अब पूछा कि 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा आपसे पूछा गया, हम लोग मान ले 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, x%। अब इसका कैलकुलेशन करें और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा।
प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 3 बार में कट गया और ये कितनी बार में कट गया, ये 20 बार में कट गया। अब इन दोनों का गुणा करने 100 मिल गया, 100 में क्या करना आपको 3 से भाग देना है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 3 3 9 हो गया, 1 इधर गया, 3 3 9 और बचा कितना, 1। 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो नया विलयन होगा उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 33.3% होगी। सी डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, और इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। इसमें आपसे क्या कहा गया, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में कितना हो जाए चीनी, 50% चीनी हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता करना, जो घोल होगा चीनी और पानी का होगा, 300 ग्राम में कितना चीनी है कितना पानी है, आप यहाँ पे कर लीजिए। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए चीनी है और ये पानी है, आप यहाँ पे लिखिए चीनी की मात्रा कितनी है इसमें, 40% चीनी है। अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 ग्राम मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 120 ग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। 300 ग्राम चीनी यानी 300 ग्राम चीनी में और 300 ग्राम घोल के जो भी घोल है, अब इसमें कितना चीनी आपको पता चले, 120 ग्राम चीनी है, तो जो शेष बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो कितना बच गया, 180 ग्राम, कितना बच गया, 180 ग्राम पानी। अब इसमें ये कहा गया कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50%, यानी इसमें कितना चीनी और मिला दिया जाए, शेष घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए, ठीक है। पूछा इसमें कितना और मिला दिया जाए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 हो गया बटा क्या कर सकते हैं आप इसको, 180 कर सकते हैं। अब चीनी मिलाने के लिए कहा ना, आप इसको क्या करें, हम लोग मान लें कितना चीनी मिला दिया, एक्स ग्राम चीनी मिला दिया, अब चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए, चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए, तो जो भी मिश्रण तैयार होगा उसमें 50% चीनी होगी, 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, यानी पानी की मात्रा भी कितनी जाएगी, 50% हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब कि ये आपस में कड़ी है तो कितना, एक एक बार में कड़ी है, अब त्रिक में गुणा कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो गया प्लस x और ये कितना, 180। अब देखिए ये जाके इधर घट जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया आपका, 60 ग्राम आ गया। यानी आप बता सकते कितना चीनी मिलाया जाए, 60 ग्राम चीनी मिलाई जाए तो शेष घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, ठीक है। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। 300 ग्राम में कितना चीनी है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो आप इसको ऐसे लिख लिए, ये इसका सेकंड तरीका है, ठीक है। सेकंड तरीका, 300 ग्राम में 40% चीनी है। अब इसमें ये कहा गया कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला दिए, कितने ग्राम चीनी और मिला दिए, तो जो भी हम लोग मान लें कितना मिला दिए, एक्स ग्राम चीनी मिला दिए। अब इसमें चार कर है, चीनी की मात्रा कितनी चार है, 50% चार है। अब इसका कैलकुलेशन करिए तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, एक सौ में कितने 50 होते, 2 होते, तो 6 बार में कट गया। अब इन दोनों का गुणा कर, एक्स बारह में कितना आ गया, 240 आ गया। अब करना है जो अभी टोटल मात्रा है, टोटल मात्रा कितनी है, 300, ये तो 300 है। अब इसको यहां से घटा लिए कितना मिले आपको, 60 ग्राम आपको मिलेगा, कितना मिल जाए आपको, 60 ग्राम आपको मिलेगा, यानी कितना चीनी मिलाई जाए, 60 ग्राम चीनी मिलाई जाए, ठीक है। आप चाहे इस तरह लगा सकते हैं या मैंने आपको जो तरीका बताया आप इस तरह से भी इसे लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे उसके हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं, इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इसमें से ये पूछा, ठीक है। 3 सेक्शन है, यानी पहला सेक्शन हो गया और ये दूसरा सेक्शन हो गया और ये तीसरा सेक्शन हो गया, यानी पहले सेक्शन में कितने विद्यार्थी है, 40 है, और दूसरे में कितना, ये 50 है, और तीसरे में कितने विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या कहा गया है, पहले सेक्शन में कितना पास हो रहे हैं, 10% पास हो रहे हैं, तो इसका क्या करिए, 10% निकालिए, इसका क्या करना आपको, 10% आपको निकालना है, इसका 10% निकालेंगे कितना मिलेगा आपको, 4 छात्र,
यानी पहले सेक्शन में कितने छात्र पास हुए, 4 छात्र पास हुए। अब इसका क्या करना है आपको, 20% निकालना है। इसका क्या करना है आपको, 20% निकालना है। इसका 20% कितना मिला आपको, 50 का क्या करना है आपको, 20% निकालना है, कितना मिला आपको, 10 मिलेगा, यानी 10 छात्र पास हुए। अब इसका कितना निकालना है आपको, इसका कितना निकालना है आपको, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी तीनों सेक्शन का मिलाकर कुल कितना पास हो रहे हैं, इन सभी को जोड़िए कितना पास हो रहे हैं, ये लोग 20 लोग पास हो रहे हैं। तीनों सेक्शन का मिलाकर कुल कितना छात्र पास हो रहे हैं, 20 छात्र पास हो रहे हैं। और इसी को पूछा गया हमसे प्रतिशत में पूछा है, इसी चीज को हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत में पूछा गया। तो करना क्या, प्रतिशत में बताने के लिए आपको ये चेक करना कुल छात्र कितने हैं, तो इन सभी को जोड़िए, इनकी छात्रों की संख्या कुल कितनी है, 150। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 150। 150 में से कितने पास हो रहे हैं, 20 पास हो रहे हैं। और इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिए। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, काट दे, या तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 5 से काट दे, तो 5 दुना 10 हो गया, और ये 5 दिन कितना हो गया, 15 हो गया। इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, 40 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, 40 आपको मिलेगा। अब 40 में क्या करना आपको, 3 से भाग देना, तो भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 13 बार जाएगी, 13 हो गया, और बचा कितना, 1। 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि तीनों सेक्शन का मिलाकर कुल कितने पास हुए, परसेंटेज में इतने परसेंट पास हुए और संख्या में इतने पास हुए। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, यानी जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनकी संख्या प्रतिशत में दिया गया हो, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच का अनुपात दिया गया, आप यहां से लिख लिए बॉयज और ये गर्ल, इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया। अब इसमें यह कहा गया कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो जिनको छात्रवृत्ति न मिलती है उनका आपसे प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, तो जो भी लड़कों की संख्या होगी अपने आप में क्या होगी, 100%। अगर इसमें से 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 80% लोगों को छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली और इनकी संख्या पूछा है। तो आपको करने के डायरेक्ट इसका क्या करिए, 80% निकालिए। तीन का क्या करिए आप, डायरेक्ट 80% आप निकालिए। तीन का क्या करना आपको, 80% निकालना है। 20 चौक 100 हो गया और 20 चौक 80 हो गया, 20 25 100 हो गया, तो कितना मिल जाएगा, 12/5 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। आप देखिए क्या कहा गया, लड़कियों में कितनों को मिली, 30% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी, 70% को नहीं मिलती होगी। तो इसका क्या करिए, 70% निकालिए, तो प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, तो कितना मिल जाएगा आपको, 14/ कितना मिल जाएगा, 10 मिल गया। यानी इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लड़कों में इतने लोग छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और लड़कियों में इतने लोग छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और सॉरी ये कट के छुटा हो जाएगा, 2/5 10 कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा आपको, ये 7/ कितना हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा। कट के देखिए छोटा है तो आप कितना कर सकते हैं, 7/5 आप कर सकते हैं। लड़कियों में इतने लोग छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और इन्हीं की संख्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा, तो करना है कि आप इन सभी को जोड़िए। तो इन सभी को जोड़ेंगे, नीचे देखिए इनका हर समान अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर हर समान अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 12/7 कितना हो जाएगा, 19 हो गया। यानी इतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और इसी को पूछा कि आपसे प्रतिशत में पूछा गया, तो इनकी संख्या कुल कितना है, दोनों को मिलाकर 5 है, लड़के और लड़के की संख्या मिलाकर कितना है, 5 है। तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा के लिए आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। इसमें 5 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा, इन दोनों का गुणा करें 25 मिल गया, और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में ये कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा, 76 मिल। यानी आप बता सकते हैं कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनकी संख्या कितनी प्रतिशत में, 76% है। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अभी परसेंटेज में मेरी 1 से 2 वीडियो और आएगी। ठीक है।